सबैलाई मेरो रुमबाट स्वागत छ र आज चाहिँ म सिलगढी लागिरहेको छु है र अझै तयारी हुन बाँकी नै छ र त्यही हो है मसँग भनिरहनु होला एज युजुअल आई वुड लाइक टु से है र बी द पार्ट अफ दिस जर्नी अ सर्ट जर्नी इनफ्याक्ट ज्यादा लामो हुँदैन आजको ब्लग ओके छिटाइज म दैलो बन्द गरेको ए छिटाइज म दैलो बन्द गरेको तँलाई यहाँनिर मलाई हतार भइसक्यो सुमसुमाउने बेला भएको छैन यहाँनिर ल के ल्याइदिनु भन् त तँलाई माथिबाट के ल्याइदिनु भन् त भन्न लडी बडी नगरेर ल गरिर लडी बडी म चाहिँ लागेको ला हो बाइकै स्टार्ट नभएर नि भाउजू हुन्छ भाउजू समस्याहरू धेरै देखा परेपछि यसलाई मैले सिलगढीतर्फ लाने निधो गरेँ किनकि मेरो त्यहाँ अरू पनि धेरैवटा कामहरू थियो र त्यसरी दुःख गर्दै म घरबाट हिँडेँ ब्याट्री पुरा बसेको रहेछ यसको ल हुन्छ लाग्यो ल वे परदेशमा रहँदा विशेष मलाई चाहिँ यसरी बाटोतिर मोटरसाइकल कुदाउँदै हिँड्न हरिया पहाडहरू हेर्न आफ्नो साथीभाइसँग भेट गर्न ती सब कुराहरू धेरै नै सम्झनामा आउँछ र धेरै वर्ष बादमा यसरी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा यसरी बाटोमा हिँडिरहन पाउँदाखेरि मलाई औधी नै हर्षको अनुभव भइरहेको थियो तर आफ्नो धेरैवटा कामहरू थाँतीमा रहेकोले गर्दाखेरि यत्तिका वर्षसम्म आफूले आफ्नो कागजाती कुराहरूमा समय दिन नसकेकोले गर्दाखेरि म आफ्नो छुट्टी भने आफ्नो सोचाइ अनुरूप भएको जस्तो चाहिँ अनुभव भइरहेको थिएन मलाई तरै पनि यसरी कामकै बिचमा यताकता कुदिरहँदा पनि मैले केही समय ती आफ्ना अतृप्त चाहनाहरूलाई भने समय दिइरहेकै थिए जस्तो मलाई महसुस भने भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ म सिलगढी आइपुगेँ है बिचमा मेरो गोप्रोको ब्याट्री सकिएछ अन्त मास्क चाहिँ फिक्स लगाइरहेको छु अहिले है अलिकति त अब लिनै पऱ्यो प्रिकसन्सहरू है र यहाँ चाहिँ मेरो अगाडि सिलगढी बुलेट वर्क समथिङ थियो पहिला चाहिँ नाम अहिले चाहिँ खै के भयो थाहा भएन है सो आफ्टर 4 इयर्स यहाँको यो वर्कसपमा छु म है अहिले चाहिँ बाइक मेन्टेनेन्सको लागि राखिरहेको छु ल्याइरहेको छु र आई होप काम छिटै सकिन्छ होला है मेरो अरू पनि कामहरू छ
अघिबाट नै मोटरसाइकल कोट्याउँदै गरेको यो मेहनतिलो भाइलाई मैले यो ग्यारेजमा नयाँ अनुहारको रूपमा देखेँ र उनको परिचय मैले सोद्धाखेरि उनले मलाई जवाफ दिएनन् र मलाई अचम्म लाग्यो। तर वास्तवमा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि भाइले कान सुन्दैन रहेछ र आफ्नो नामहरू र अरूलाई केही भन्नु छ भनेदेखिकोलाई यसरी फोनमा उनले टाइप गरेर देखाउँदो रहेछ र कतिचोटि त आफ्नो साथीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लगातार रूपमा मेसेज गरेकोले हैरान पनि पार्दो रहेछ किनकि उहाँलाई अङ्ग्रेजी धेरै नै मन पर्दो रहेछ। उनीहरूको काम गरा एकदमै म्यानुअल छ होइन, हेर्दा रोड साइडमा देख्छ तर दे वर्क इट भेरी नाइसली है, र एकदमै काम पनि छिटो है। सर्भिस सेन्टरमा हो भने अब दिनभरि पर्खिनु पऱ्यो होइन, तर अब यहाँ चाहिँ अब अपोइन्टमेन्ट केहरू लिने झमेला पनि छैन, अन्त एट द सेम टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भनौँ न होइन यहाँको सिस्टम चाहिँ। सो त्यही भएर म आज बिहानै आएको थिएँ र कस्टमर्स पनि बेसी छैन यहाँनिर। बाइकको चाहिँ हालत यस्तो छ अहिले, हेर्दा कति अर्डिनेरी देख्छ होइन, साधारण देख्छ यो वर्क चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ जस्तै प्रब्लम पनि सल्भ भइदिन्छ है यो वर्कसपमा चाहिँ। र इजराइल जानु अगाडि है म धेरैचोटि आउँथेँ यहाँनिर, किन भन्दाखेरि एउटा दाम पनि त्यति बेसी लिँदैन यहाँनिर होइन, रिजनेबल छ उनीहरूको चार्ज, र पार्ट्सहरू पनि अब कम्पेयर टु द हिल्स है अब अलिक सस्तै पर्छ यहाँनिर। अन्त वाट आई लाइक अबाउट देम इज यति अब सानो कुराहरू होइन, यो कम्ती छ उनीहरूकोमा यहाँ है, अब इट लुक्स अब कस्तो भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट क्या, अब पर्याप्त छैन होला जस्तो लाग्छ होइन, तर काम चाहिँ उनीहरूले है म्यानुअली पनि है यति मजाले गरिदिन्छ, अब आई रिटर्न ब्याक है विथ अ सेटिस्फाइड हार्ट क्या। अब आपका नाम क्या बोला आपने? सुशील मंडल। सुशील मंडल, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अकाउंटेंट जैसे हो है कि नहीं? सब है। टाइम बहुत बिजी रहता है आपका, तो इसके अलावा और बहुत सारे काम भी होते हैं आपके, तो आप पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो? ये भी करते हैं, वो भी दोनों ही करते हैं। तुम्हारा दिशे था बता दिए किसे? तो आप पहले आपने बोला कि पोल साइंस में पीएचडी कर रहे हो, तो पीएचडी का जो आपका जो स्टडी है, तो पीएचडी के पढ़ाई और ये काम आप कैसे मैनेज कर लेते हो?
डिस्टेंस का है। कभी कभार जाते थे नॉट ट्यूशन आ रहे थे, अभी तो ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन वो भी कर रहे थे और ये भी जब भी टाइम मिलता, जैसे कुछ दिन पहले एग्जाम था दोनों कर लेते, ये भी देख लेते, ये भी देखना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। और कितना साल है आपका पीएचडी के लिए? दो साल जैसा है, देखते हैं तो एक साल करते तब, तो तब, साल। तब उसके बाद आप डॉक्टर बन जाओगे? डॉक्टर तो देखते हैं, डॉक्टर तो हम सोचेंगे, डॉक्टर तो अप्लाई तो करेंगे, लेकिन उसमें तो अभी ये लाइन पे जब आएगा कोई बंदा तो डिग्री का लिए। तो उसके बाद आपका जो मेरा जो अभी दुकान हम लेंगे तो एक्स्ट्रा तो हम कर रहे हैं, मेरा एक्स्ट्रा के लिए जो बोलेगा नहीं आपका कौन सा पब्लिक मिशन है, कैसा आपका प्रोफेशन गया, तो वो तो हम मेरा गया तो अदर्स स्टडीज आपका वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपके हिसाब से कितने बजे तक ये खत्म हो जाएगा ये काम? सब ये बाइक का सब काम दो घंटा एक बजे तक कंप्लीट, इससे पहले ही कर देगा। वो पुराना दिखाइए तो बियरिंग, ये हालत हो चुका है, नया लगाना पड़ेगा। फिलहाल से एक ही बन गया बाइक, अब से 1 आवर जस्तो लाग्छ होला, त्यसको बादमा चाहिँ जाने हो घर। फाइनली द बाइक इज रेडी, और एक बार एन्ड द क्रेडिट गोज टु हमारा प्रीतम भाइ, थैंक यू सो मच भाइ। एक बार वो दिखा दीजिए ना, वो पहले किया था ना। तो ठीक है, हमारे भैया बहुत बिजी हैं, तो काम के बीच बीच में आपको बीचों बीच में आपको शुभकामनाएं बहुत सारी देना चाहूँगा। आपका फ्यूचर और भी अच्छा रहे, आपने जैसा प्लान किया है वैसा रहे। हम तो आते रहेंगे, 4 साल के बाद आए हैं, सबसे बढ़िया काम होता है यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा भी क्या है कि यहाँ पर अच्छा लगता है ना आना, सब लोग वो बातें करते हैं, वो एक आपस में जो वो इंटरेक्शन होता है ना बहुत अच्छा है। तो इसी बहाने हमारा यहाँ पर अच्छा टाइम भी कटता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पॉल्यूशन चेक कहाँ होता है भवन दा? ल भवन दा फेरि आउँछु म, अझै छ काम। थैंक यू छोटू, फिर आएंगे। ल विष्णु लागेको ल म नम्बर छैन तपाईँको, नम्बर छ नि छ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नाम चेंज होगा ना इसीलिए मैं पहचान नहीं पाया, वो सब ढक चुका है। तो बुलेट ऑटो वर्क्स, अगले हफ्ते आऊँगा। हाँ भाई, यसरी ग्यारेजबाट बिदा लिएपछि हजुरहरूबाट पनि आजलाई भने बिदा लिने समय भइसकेको छ। र जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आजको एपिसोडको बारेमा प्रतिक्रिया भने अवश्य दिनुहोला। सो सी यु एभ्री वान, बाई, टेक केयर।